गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाँ इसके पहले हमने गति के द्वितीय नियम का प्रयोग और ये दैनिक जीवन में जो होता है वो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे क्रिकेट मैच का है ना और इसके बाद ये हम लोग समझ चुके थे कि कैसे कैच लेते समय फिल्डर जो है पीछे कर लेते हैं और कैसे कराटा वाला कराटे का खिलाड़ी एक ही झटके बर्फी सिली को तोड़ लेता है ना ऊंचे कूद वाले मैदान में या खिलाड़ियों में कुशन या बालू क्यों लगा रहता है क्यों बालू पर कुना रहता है छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या रहता है तो छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं है ना और भी एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है अब मैं आप लोग को कुछ बैथ सॉल्व करवा रही हूं तो एग्जाम्पल है नाइन पॉइंट वन एग्जाम्पल से मैथ्स हम लोग एक बना रहा है। तो क्वेश्चन है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली, 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर दो सेकेंड, दो सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है, यह वस्तु के वेग को तीन मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर सात मीटर पर सेकेंड कर देता है? तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को पांच सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा क्वेश्चन क्या कहता है कि पांच के जी द्रव्यमान वाली वस्तु दो सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है पांच के जी द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कि हमारा मास कितना है फाइव के है दो सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है दो सेकेंड हमारा टाइम है है ना? ये वस्तु के वेग को तीन मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर सात मीटर पर सेकेंड कर देता है इसका मतलब क्या हुआ प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग क्या है u u है तीन मीटर पर सेकेंड है तीन मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर कितना हो गया सेवन मीटर पर सेकेंड कर देता है तो ये हो गया थ्री मीटर पर सेकेंड यू और सेवन मीटर पर सेकेंड हो गया वी तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें हमको फोर्स निकालना है, है ना हमको फोर्स की मात्रा निकालना है यदि इस बल को पांच सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए पांच सेकेंड और टाइम दिया जाए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सबसे पहले हम u लिख लेते हैं u है थ्री मीटर पर सेकेंड और v है सेवन मीटर पर सेकेंड टाइम है टू तो सेकेंड और बास है फाइव के है ना ऊपर का पड़ के हमने देख लिया है ये सब ये सब दिया हुआ है अब हमको निकालना है फोर्स फोर्स की मात्रा ज्ञात करें तो सबसे पहले फोर्स का समीकरण लगाएंगे F इजकल टू एम इंटू ए है ना इज टू एम इंटू ए हम निकालने के लिए एक जगह पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 9.5 से एक जगह पर v माइनस यू बाई टी क्या होगा v माइनस यू बाई टी इसका मान रखने पर जब इसका हम पुट करते हैं इसका जो जो दिया हुआ है तो ए फल टू मास हो गया फाइव के जी और वी माइनस यू वी है माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड है ना इसको ब्रैकेट में कर दिए बाई टू टाइम है टू बाई टू इसको सॉल्व करने पर आता है टेन न्यूटन टेन न्यूटन आएगा इससे से माइनस किए और फिर टू से मल्टीपल किए ये आया टेन एन ये टेन एन क्या हो गया फोर्स है ना फोर्स हो गया टेन एन अब अगर पांच सेकेंड टाइम तक बल लगाया जाता है है ना यदि इस बल को पांच सेकेंड और बढ़ा दिया जाता है पांच सेकेंड के लिए और बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा यदि हम और बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाते हैं पांच सेकेंड तो अंतिम वेग क्या होगा तब हम क्या करेंगे V U एफ तो हमको अंतिम वेग निकालना है, है ना तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे v, ठीक है तो अंतिम वेग के लिए हम v लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू u प्लस f t बाई m, है ना v माइनस यू जो रहता है सूत्र है सूत्र को हमने इसमें से वी निकाल दिए ठीक है थीके? तो v इज इक्वल टू यू और एफ इंटू टी एफ इंटू टी बाई एम एफ इंटू टी बाई एम यहां पर देखिए पूरा सॉल्व करने पर आपको आएगा वी इज इक्वल टू यू यू है U है थ्री मीटर पर सेकेंड है ना यू है थ्री मीटर पर सेकेंड प्लस एफ है टेन एफ है टेन न्यूटन फिर मल्टीपल करेंगे टाइम से टाइम है पांच सेकेंड पांच सेकेंड डिवाइड बाय मास मास कितना है फाइव फीस ठीक है यहाँ पर देखिए फिर इतना जो है इससे आप क्लियर कीजिए फिर ध्यान से देखिए वी निकालना है और यू है थ्री मीटर पर सेकेंड प्लस एफ है फोर्स टेन न्यूटन इनटू टाइम फाइव सेकेंड डिवाइड बाई फाइव के इतना कुछ जब हम सॉल्व करेंगे तो सबका मान बैठाने पर और सॉल्व करने पर आता है मीटर पर ठीक है इसको आप लोग घर में कॉपी में तुरंत बना के देखिएगा नहीं तो फिर बाद में भूल जाइएगा सबका मान रखने पर m का मान पुट करने पर मान रखने पर आपको आएगा वी इजकल टू थर्टीन मीटर पर सेकेंड समझे तो ये क्या हो गया अंतिम वेग v हो गया अंतिम वेग ठीक है यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आएगा तो फिर आप तो पूछ लीजिएगा कमेंट कीजिएगा हम आपको बतलाएंगे दूसरा है उदाहरण नाइन पॉइंट टू इसमें है आ, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी दो किजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर या 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर uh, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तौरित करने में ये पूछ रहा है कि 2 के जी ये पूछ रहा है कि uh, कि के जी द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से यदि त्वरित किया जाए एक्सिलेट किया जाए या चार के जी ज्यादा वेट वाला को लेंगे और दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करेंगे तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी है ना दो के जी वाला में होगा या चार के जी में होगा इसको हम लोग सॉल्व करके पता निकाल रहे हैं समीकरण है नाइन पॉइंट फोर से ए फिजिकल टू एम ए एल टू एम इन टू ए इसको भी हम लोग देखेंगे फिर हम लोग इसको भी देखेंगे तो मीटर है ना टू मीटर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो देखिए सबसे पहले हम एक एम वन लिखते हैं दो है इसलिए हम एम वन एम टू भी इसको बांटती है एम तो, वन हो गया टू के जी और एक्सलेशन दिया हुआ है ए दिया हुआ है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरा है एम टू उसमें चार के जी है और त्वरण है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना जिसमें मास ज्यादा है दो के जी मास जिसमें दो के जी है उसमें आपको फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जिसमें के जी ज़्यादा है उसमें त्वरण ए है वह कम है तो अब हम इसका मान इस तरह बताएंगे F1 इक्वल टू M1 A1 है ना तो F1 फोर्स इक्वल टू मास है 2 किग्री यहाँ पर देखिए मास 2 किग्री है इनटू ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इसको हमने सॉल्व किया तो आया 10 N यानी कि फोर्स है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 N N हो गया न्यूटन इस मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक है है ना कहाँ पर कौन सा मात्रक लगेगा वो याद रखना है यूनिट क्या होता है तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन एम तथा एफ टू सेकेंड जो है वह है एम टू ए टू तो एम टू है फोर के जी इन टू टू स्क्वायर है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया एट न्यूटन तो ऐसे भी कौन सा बड़ा हो रहा है से तो एफ वन एफ टू से बड़ा है अतः टू के जी द्रव्यमान ज्यादा है ना टेन एन ज्यादा है और एट एन कम है तो अतः टू के जी द्रव्यमान की वस्तु को पांच मीटर पर स्क्वायर की दर से करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, है ना? दो के जी गोली छोटा है मास जो है वह चार के हिसाब से बिल्कुल आधा है टू के जी है लेकिन फाइव मीटर पर सेकेंड की दर से उसको त्वरित करने पर अधिक बल की आवश्यकता होती है समझ में आया आप लोग को कोई 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 भी को भी को भी इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में उतारिएगा और धीरे धीरे सभी के मांग को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको उतारिएगा तो कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होगा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा बस समझने की चीजें साइंस फटाफट सब कुछ बनता जाएगा है ना तो ये हो गया ऐसे भी हम जान रहे हैं कि टेन एन ज्यादा है और अधिक बल उसमें लगेगा ये, है।, है ना? थर्ड क्वेश्चन है 9.3। एक कार 1.08 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में फोर सेकेंड का समय लेती है कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 थाउजेंड के जी है तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है एक कार 1000 uh, 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है जब ब्रेक लगता है तो रुकने में उसे चार सेकेंड रुकने में चार सेकेंड समय लग रहा है कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें और कार का यात्रियों सहित कुल के जी है अब क्या करेंगे? सबसे पहले कार का प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग कार का कितना है 108 किलोमीटर पर आवर ठीक है और ब्रेक लगने के बाद रुकने में फोर का समय लेती है तो यहां पर क्या होता है वी क्या हो गया अंतिम वेग क्या हो गया जीरो कार का अंतिम वेग हो गया जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है प्रारंभिक वेग है 108 किलोमीटर पर आवर सबसे पहले हम क्या करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर को किससे बदल दे, बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में ठीक है मीटर पर सेकेंड में हमने इसको चेंज किया वन हंड्रेड एट इंटू वन थाउजेंड ठीक है डिवाइड बाई आवर सिक्सटी इंटू सिक्स पूरे को सॉल्व करने पर आता है थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है यहां पर हमने क्या किया किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और आवर को सेकंड में चेंज किया ठीक है और अब तो समझ में आ गया कि थर्टी मीटर पर सेकंड कहाँ से आया और प्रारंभिक वेग हो गया यू थर्टी मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो गया जीरो मीटर पर सेकंड कार का कुल द्रव्यमान एम 1000 के तथा कार को रोकने में लगा समय कार को रोकने में लगा समय कितना है 4s, 4 हो गया 4 अब हम समीकरण 9.5 से ब्रेक लगाने वाला बल एफ का परिमाण का मान रखते हैं ठीक है थेके? तो एफ इजिकल टू एम इन ए एफ टू एम इंटू ए यहाँ पर हम एफ इजकल टू एम ए वी माइनस यू बाई टी है ना? एक जगह पर v U T है. अब इसका मान रखेंगे जब इसका मान हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता A, 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 है एफ इजकल टू एम एम कितना है ठीक है तो एम है वन थाउजेंड के जी इंटू वी माइनस यू V है जीरो अंतिम वेग जीरो है और माइनस थर्टी यू है थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई फोर टी यू बाई टी है तो टी है फोर सेकेंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये पूरा सॉल्व करने के बाद होता है जीरो माइनस थर्टी डिवाइड बाई फोर इधर वन थाउजेंड के जी सॉल्व करने के, के बाद माइनस सेवेंटी फाइव हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है कितना हो गया माइनस सेवेंटी फाइव हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना हुआ या अब यहां हमारा क्या निकला फोर्स तो फोर्स है इसलिए यहां हो जाएगा माइनस सेवेंटी फाइव जीरो जीरो ऋणात्मक कि माइनस है यहाँ पर है ना सब यहां तक तो समझ गए हम एफ की जगह पर एफ इजल टू एम इंटू ए का सूत्र लिखे फॉर्मूला लिखे एम इजल टू के पर v U T लिखा हमने जीरो माइनस यू के जगह पर थर्टी देखिए थर्टी ऊपर में है ना ये थर्टी हमने लिखा खूब ध्यान से समझिएगा आप लोग ये थर्टी हमने लिखा यहाँ पे थर्टी बाई फोर सेकेंड सारे को सॉल्व करने पर आता है माइनस इट इसको कॉपी में आप लोग सॉल्व करते भी जाइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि विज्ञान रटने का चीज नहीं है मैथ रटने का चीज नहीं है माइनस सेवेंटी फाइव जीरो जीरो किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर या हमने इसको न्यूटन में बदल दिया माइनस सेवेंटी फाइव जीरो जीरो एन लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है ठीक है यहाँ पर हमको माइनस दिखला रहा है ऋणात्मक चिन्ह दिखला रहा है यानी कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति जिस गति जिस दिशा में थी है ना उस दिशा के गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है, है ना ऋणात्मक चिन्ह जो है ये माइनस सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी फाइव जीरो जीरो एन यह दिखलाता है यह बताता है हमें कि यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है ठीक है उम्मीद है कि समझ गए होंगे विपरीत दिशा में आरोपित है ठीक है यह हो गया क्वेश्चन नंबर तीन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर चार एग्जाम्पल से समझने में जो बच्चे स्लो लर्नर भी हैं जिन्हें धीरे में समझ में आती है वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे है ना एग्जाम्पल में जो मैथ्स रहता है वो आप लोग जरूर बनाए और देखे बार बार इसको देखे एग्जाम्पल का जो मैच होता है उसको बार बार देखें बार -बार समझें इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी ठीक है? नाइन पॉइंट फोर क्वेश्चन पांच न्यूटन का एक बल पांच न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान एम टू को द्रव्यमान एम टू को कितना देता है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तो अगर द्रव्यमान को दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा क्वेश्चन ये कहता है कि पांच न्यूटन का एक बल किसी मास किसी द्रव्यमान एम वन नाम दिया है उसको टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है ठीक है दस दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है एक्सलेशन देता है तथा द्रव्यमान एम टू को एक एम वन माना है और दूसरा एम टू दूसरा एम टू को ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तो यदि हम दोनों त्वरण को एक साथ कर, दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए हाँ, द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा है ना तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा हम इसको अब देख रहे हैं समीकरण 9.4 से M1 हम सबसे पहले देखते हैं जैसे ना F इजल टू एम इंटू ए सूत्र होता है तो हम इसको निकाल दिए हुआ फोर्स इज टू एम इंटू ए होता है पता है आप लोग को हर जगह देखिए एफ इजल टू एम इंटू ए है ना इस सूत्र को हमने यहाँ पर लिखा और इसमें से क्या निकालना है हमको एम निकालना है 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 ना? M1 A1, तथा M2 A2, ना? तथा ये M1 और M2 हो गया? अब यहाँ पर ए वन है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए टू है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमने लिखा टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर

Divide बाई टेन एम स्क्वायर ए वन है टेन एम स्क्वाइंट फाइव जीरो के जी जीरो पॉइंट फाइव जीरो सोल्व करने पर सेकेंड है एम टू इज इक्वल टू फाइव एन बाई ट्वेंटी एम एस पर ना? ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया एम टू इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया जीरो को एक साथ मिलाया जाता है कौन कौन सा द्रव्यमान को एक ये द्रव्यमान और दूसरा ये द्रव्यमान को यानी कि एम वन और एम टू तो जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा

बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण क्वेश्चन यही था ना कि पास ड्यूटर बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण क्या होगा अब हम यहाँ पर इक्वल टू बाई एम त्वरण निकालना है हमको ए निकाल रहे हम तो इक्वल टू एफ बाई एम तो एफ है फाइव न्यूटन फोर्स है

तो ये आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये हो गया त्वरण क्वेश्चन में पूछता है कि इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा है ना जब दोनों को मिला दी जाएगा तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अब है एग्जाम्पल फाइव एक लंबी मेज पर एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रहे 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है ना 20 ग्राम दरव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ ये वेग समय ग्राफ है वेग समय ग्राफ में दिया गया है गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज़ द्वारा विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा ठीक है तो चित्र में तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर वेग समय ग्राफ हो गया ये वेग समय ग्राफ ये हो गया आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस सेकेंड है और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है सेंटीमीटर है यहाँ पर पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह सेकेंड है ये समय है है ना सेकेंड से इसको दिखलाया गया यहाँ पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड वेग दिखलाया गया है ठीक है और यहाँ पर समय है तो हमको क्या बतलाना है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की, की गेंद को दिखलाया जा रहा है विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा है ना यहाँ पर विराम अवस्था में पहुंचा है दस सेकेंड में दस सेकेंड में विराम अवस्था में पहुंचा है तो विराम अवस्था में लाने के लिए मेज़ द्वारा कितना बल लगेगा हमको फोर्स निकालना है अब देखिए आप, आप सॉल्व है गेंद का प्रारंभिक वेग है ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना गेंद का प्रारंभिक वेग है ट्वेंटी मी ट्वेंटी सेंटीमीटर सेकेंड जो भी चित्र में ग्राफ में हम दिखलाए वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के बाद घर्षण बल लगने के बाद गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है क्योंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है देखिए गेंद जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड सीधे 10 सेकंड में आकर के रुकती है यहाँ विराम अवस्था में आके रुकती है तो हमारा कितना सेकंड है 10 सेकंड है है ना तो 10 सेकंड में शून्य हो जाती है चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है तो त्वरण हो गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी त्वरित बल के साथ चलती है त्वरण हो गया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी वी है जीरो क्योंकि आकर के गेंद रुक जाती है है ना दस सेकेंड में आकर के गेंद रुक जाती है और यहाँ पे शून्य हो जाता है तो v है अंतिम है हमारा जीरो सेंटीमीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग है ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है वी माइनस यू जीरो माइनस ट्वेंटी ब्रैकेट क्लोज बाई टेन सेकेंड वी माइनस यू बाई टी बाई टी है जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया ये टू सेंटीमीटर पर स्क्वायर ठीक है और इसको हमने मीटर में चेंज किया मीटर में चेंज करने पर आ गया माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है कितना आया जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए इसको ध्यान दीजिएगा हम लोग को मीटर सेकेंड में चेंज करना है इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें ट्वेंटी ग्राम्स था ट्वेंटी ग्राम्स को हमने के में बदला था है ना तो वहाँ पर 0.20 पॉइंट तो हम लोग को के में बदलना था और यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है माइनस टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने जब मीटर सेकेंड पर स्क्वायर चेंज किया तो हुआ जीरो जीरो टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कहां से इतना आया इसको हमने चेंज किया अब गेंद पर लगा घर्षण बल गेंद पर लगा घर्षण बल फोर्स अब हमको फोर्स लगा फोर्स निकालना है तो गेंद पर लगा घर्षण बल बराबर एम इंटू ए ठीक है अभी हमने यहां पर ए निकाला त्वरण निकाला त्वरण के बाद अब हमको निकालना एक त्वरित नियत त्वरित बल के साथ चलती है है ना अब फोर्स हो गया एम इंटू ए तो एफ हो गया एम हो गया कितना एम है हमारा मास ट्वेंटी ट्वेंटी को ट्वेंटी डिवाइड बाई वन थाउजेंड के जी ठीक है कितना है ए माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना मास है, था बीस ग्राम क्वेश्चन फीचर देख लीजिए हाँ कितना का था वो गेंद ट्वेंटी ग्राम्स ओनली बीस ग्राम दरबे की गेंद तो ग्राम को हम चेंज करेंगे अभी के जी में तो ट्वेंटी ट्वेंटी ग्राम्स को हमने चेंज किया किसमें के जी चेंज किया ट्वेंटी बाई वन थाउजेंड इंटू तो माइनस जीरो जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको जब सॉल्व करते हैं तब आता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर न्यूटन। न्यूटन आया क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमने फोर्स निकाला है बल निकाला है इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर एम ठीक है फिर वहां पर वही बात है कि यहां पर हमारा चिन्ह क्या दिखला रहा है नेगेटिव माइनस ऋणात्मक है ना क्या दिखला रहा है नेगेटिव दिखला रहा है ऋणात्मक दिखला रहा है माइनस दिखला रहा है तो इस ऋणात्मक चिन्ह से हम यह देखते हैं गेंद की गति की जो दिशा थी गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है गेंद की गति की जो दिशा है गेंद की गति की जो दिशा थी उसके विपरीत में उसके विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा नेगेटिव है यानी कि विपरीत दिशा में घर्षण बल आरोपित किया जा रहा है ठीक है तो आज तो हमारा पांच इक्वेशन मैंने सॉल्व किया पांच सॉल्यूशन सॉल्व शौल किया है ना और उम्मीद है कि समझ आया तो में आया होगा ये कैलकुलेशन ऋणात्मक रहेगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि वो विपरीत दिशा में आरोपित किया जा रहा है और जहां पर ग्राम है वहां पर केजी बदलना होगा कहीं पर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर पर सेकंड करना होगा फिर कहीं पर मतलब ये छोटा छोटा यूनिट है उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा क्योंकि चेंज करना पड़ता है, है ना आवर है तो आवर को भी हमको सेकंड में करना होगा है ना आवर को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर में चेंज करना होगा तो ये सब छोटे छोटे चीजों को हम लोग को देख कर देखना है और इस यूनिट पर ध्यान दे रहा है ना यूनिट पर ध्यान दे रहा है और वह यूनिट के हिसाब से हमारा वो दिखाता है कि फोर्स है तो न्यूटन दिखाएगा त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाएगा ठीक है बास है तो वो ग्राम या के दिखाएगा चलिए इतना आप लोग पाँचों इसको बना के देखिएगा है ना इसको कॉपी में बना के देखिएगा तब तक के लिए हम इतना रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे गति का तृतीय नियम ठीक है गति का तृतीय नियम से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप लोग बनाइए थैंक यू ओके बाय